तो गाइस हम फाइनली चित्तौड़गढ़ के किले पर पहुंच गए हैं और ये पास में विजय स्तंभ है। गाइस विजय स्तंभ के जस्ट पास में ही जोरकुंड बना हुआ है, आप देख सकते हैं यही जोरकुंड है, मुख्य जोरकुंड है। ये पे रानी पद्मावती ने जोर किया था कई रानियों के साथ में। गाइस अभी इसके ऊपर मिट्टी डाल दी है क्योंकि यहाँ पे जो पानी जमा होता है उसके कारण विजय स्तंभ को हानि हो रही थी, इसलिए इसको भी बंद कर दिया। यहाँ पे छोटा कुंडी रखा है जहाँ पे अभी के जो महाराजा है लक्षराज सिंह मेवाड़ा वो भी जोर दिवस पे आते हैं और यहाँ पे मेला भी लगता है और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हवन करते हैं। तो गाइस एक बार फाइनली वापस देख सकते हैं जोरकुंड को और ये बिल्कुल ही विजय स्तंभ के पास में ही है। गाइस विजय स्तंभ 9 मंजिला है और गाइस ये जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण मुराणा कुंभा ने करवाया था जब उन्होंने मालवा और गुजरात पे एक साथ मतलब विजय प्राप्त की थी उस समय। इसके ऊपर चढ़ने के लिए 157 सीढ़ियां है। और गाइस विजय स्तंभ से हम जैसे ही आगे चलते हैं जोरकुंड से जैसे आगे चलते हैं तो ये सामने आपको दिखाई देगा गोमू कुंड, ये मेन गोमू कुंड है। और यही से गाय के मुख से झरना पड़ता है इससे ये पूरा डैम जो है भरा हुआ रहता है और इससे नीचे भी एक झरना है तो नीचे वाला झरना बाद में दिखाएंगे। और यहाँ से चित्तौड़गढ़ की पूरी लोकेशन देख सकते हैं। और गाइस इसके आसपास में कई छोटे बड़े मंदिर भी बने हुए हैं, ये शिव जी का एक मंदिर है जो काफ़ी शानदार है, अंदर से भी काफ़ी मस्त है। गाइस हमें तो चित्तौड़गढ़ के किले पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी कभी मौका मिले तो आना ज़रूर। और तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो पूरे चित्तौड़गढ़ के किले का होगा, पूरा वीडियो बनाते हैं, देखना ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करें।